दोस्तों, तनुजा बुटीक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनी हुई कुर्ती का नाप लेकर कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इस कुर्ती को उल्टा कर लेंगे, यानी इस कुर्ती को हम पलट लेंगे। कई लोग ये गलती करते हैं कि कुर्ती का जो नाप लेने में भी छोटी छोटी गलती करते हैं। मैं आप उन गलतियों को बताऊँगा, आप उसका ध्यान रखिएगा ताकि जो आपका नाप है वो परफेक्ट रहे। हम इस मेज़रमेंट को नोट करते हुए चलेंगे, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। देखिए, लंबाई नापने में भी कई लोग ये गलती करते हैं कि जो लंबाई है आपको गले के पास शोल्डर, यहाँ से आप इसको शुरू करेंगे नापना। वो कई लोग क्या करते हैं कि जो आस्तीन वाला हिस्सा है शोल्डर के पास में, वहाँ से नाप लेते हैं, जिससे कुर्ती की जो लंबाई है 1 इंच छोटी हो जाती है। देखिए, यहाँ पर लंबाई मैंने लिख ली है। इसके बाद हम आस्तीन का नाप लेंगे। आस्तीन में भी ये गलती करते हैं कि जो ये कपड़ा है यहाँ से नाप लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो सिलाई लगी है यहाँ से इसको टेप को रख के इसका नाप लेना है। और बताना चाहूँगा कि ये जो नाप है ये तैयार नाप है, हम कटिंग इससे बढ़ाकर कटिंग करेंगे। मुझे जो गोलाई जितनी भी है आपके उस हिसाब से हम यहाँ सिलाई लगी है यहाँ पर हम नाप लेंगे। देखिए, अब हम इसका, आप चाहें तो आप इसको अच्छे से सल को मिटा लेंगे, खींच कर नाप लेना है। अगर आप चाहें तो प्रेस भी पहले लगा सकते हैं। और इसका जो सीने वाला नाप है हम यहाँ से लेते हैं। ये जो गोलाई है आस्तीन की, देखिए आप, यहाँ पर सिलाई लगी है। अब उस हिसाब से यहाँ पर हम इसका नाप लेंगे। 18.5 इंच यहाँ पर इसका आ रहा है, यानी जो पहले से सिलाई लगी हुई है वहाँ पर आपको रखना है टेप को। इस हिसाब से हम कमर का नाप लेंगे। 16.5 इंच यहाँ पर एक साइड से आ रहा है। यहाँ पर हिप का निशान हम यहाँ से लेते हैं दोस्तों। ये जो चाक बना हुआ है आप देख सकते हैं, जहाँ से चाक शुरू है ऊपर से, यहाँ पर हम इसको रखेंगे। इस तरीके से हमने ये तीनों नाप ले लिए हैं। अब हम इसका आर्म होल का नाप लेंगे। आर्म होल का नाप लेने के लिए ये जो देखेंगे आप, यहाँ से जो सिलाई लगी है यहाँ से इसको इस तरीके से टेप को रखना है। ये यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है, यानी 8.5 इंच का आप डबल करके 1 इंच कम कर सकते हैं। यानी 17 इंच में आप 1 इंच कम करेंगे, 16 इंच इसका आर्म होल रहेगा। देखिए, गला इस तरीके से हमें नापना है। आप चाहे तो यहाँ ऊपर कोने से भी नाप सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से भी गले की लंबाई नाप सकते हैं। 6 इंच आगे का गला है और 4 इंच इसका पीछे का गला है। इसकी गले की जो चौड़ाई रखना है हमें 6 इंच चौड़ाई में रखना है। तो इसका नाप दिखाना चाहूँगा, इसका नाप पूरा हो चुका है। 36.5 इंच इसकी लंबाई लेना है हमें कुर्ती की, और 17.5 इंच हमें आस्तीन की लंबाई, और गोलाई 10 इंच लेना है। चेस्ट यानी सीना 18.5 इंच, कमर 16.5, हिप 20.5, आर्म होल 16 इंच, नेक जो है इसका फ्रंट वाला यानी आगे का 6 और पीछे का 4 इंच लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। आप इस तरीके से किसी भी तरह के कपड़े को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डबल बिछाया है, फिर एक बार और मैंने इसको फोल्ड किया है, यानी अब ये 4 परत में बिछा हुआ है। और आपको उस हिसाब से ही बिछाना है ताकि आपकी कुर्ती आसानी से कटिंग हो जाए। इसका मैं सिंपल तरीका बताना चाहूँगा, यानी जो हिप लिया था हमने 20.5, अब उससे आधा करके 2 इंच और बढ़ा के इसको बिछा लीजिएगा ताकि आपका परफेक्ट नाप आसानी से आ जाए। देखिए, यहाँ पर कुर्ती की जितनी भी आपकी लंबाई आपने ली थी उसमें हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच बढ़ा कर निशान लगाया है, यानी 36.5 का हमने 38.5 पर लगाया है। दोस्तों, यहाँ पर आर्म होल के हिसाब से निशान लगाया जाता है। ये आर्म होल 16 था तो हमने यहाँ पर उसका आधा किया है। उसके बाद में हम यहाँ पर 5.5 इंच प्लस करेंगे कमर तक, कमर के बाद हिप तक हम यहाँ पर 6.5 इंच प्लस करेंगे। इसी तरीके से हम ऊपर निशान लगा लेंगे, ऊपर भी इसी तरीके से हम निशान लगा लेंगे, 8 इंच, 13.5 और 20 इंच पर। अब आप सीधी लाइन खींचेंगे। दोस्तों, मैंने इसका शोल्डर का नाप लेना भूल गया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 14.5 इंच इसका शोल्डर था, तो हम यहाँ पर उससे आधा करेंगे, यानी 7.25 पर निशान लगाएंगे, और इतने पे ही 7.25 पर यहाँ पर लगाएंगे। और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका छोटा गला है यानी आपका 5.5 इंच से कम है, तो आपको जितना शोल्डर है उतना ही यहाँ पर लेना होता है। यहाँ पर हम जो इसके गले की चौड़ाई है 6 इंच रखना है, तो यहाँ पर मैंने उससे आधे पर निशान लगाया है, 1 इंच यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम
चेस्ट का निशान लगाएंगे, यानी सीना का निशान लगाएंगे। अब हमने जो नाप लिया था आपको दिखाना चाहूँगा, 18.5 इंच हमने लिया था नाप के हिसाब से, तो आपको इससे आधा करना है यानी 9.25 इंच। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर जो आपका नाप का रहता है उसमें किसी तरह की कोई भी लूजिंग नहीं दी जाती है, सेम के हिसाब से जितना भी रहता है वही नाप हमें लिया जाता है। यहाँ पर 16.5 का आधा किया हमने और जितना हिप था हमने 20.5, तो उससे आधा कर दिया है यानी 10.25 पे हमने निशान लगा लिया है। नाप लेना बहुत आसान है इसका और कटिंग करना भी बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे, मार्जिन हमने यहाँ पर 1.25 इंच और 1.5 इंच छोड़ा है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम गोलाई में शेप देंगे, यानी जो ऊपर वाली लाइन है एक शेप हम ऊपर गोलाई में देंगे और एक शेप हम नीचे वाली गोलाई में देंगे। ये जितना यहाँ पर निशान लिया है इतना ही हम यहाँ पर घेर के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब जो ऊपर वाला निशान है हम उसके हिसाब से इसी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों और भी मेरी वीडियो है सलवार कटिंग कुर्ती कटिंग की, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक ज़रूर देखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहें। देखिए हमने ऊपर निशान पर हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो निशान एक और हमने नीचे लगाया है आप देख सकते हैं, अब इसका एक हिस्सा हम अलग कर देंगे, यानी ये आगे वाला हिस्सा है, ये जो अंदर की ओर हमें इस तरीके से कटिंग करना होता है। और ये हम आर्म होल के लिए जब आस्तीन कटिंग करेंगे वो वाला नाप मैंने यहाँ पर लिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसमें आस्तीन यानी स्लीव की कटिंग करेंगे। इसको भी हम एक साथ दोनों आस्तीन को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल जो बिछाया था मैंने इसको फिर वापस इसको दो बार फोल्ड कर लिया है, यानी ये 4 परत में बिछा हुआ है। अब देखिए जितनी भी आस्तीन की लंबाई थी हम यहाँ पर उससे 1.5 इंच बढ़ा कर लेंगे, यानी 17.5 इंच हमें लंबाई तैयार रखना थी तो 1.5 इंच मैंने बढ़ा कर लिया है ताकि वो सिलाई में जाएगा। या जितनी भी हमारी गोलाई रहती है आस्तीन की उससे हम आधे पर निशान लगाते हैं और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन पर निशान लगाएंगे। 19 इंच जो यहाँ लंबाई थी हम यहाँ पर उसका 3 इंच कम करेंगे, 3 इंच यानी हम यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल के हिसाब से लगाते हैं जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था निशान। इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर आपको हल्का गोलाई में शेप देना है। ये शेप देने में कई लोग गलती करते हैं कि आप ज़्यादा है इसको गोलाई में शेप दे देते हैं, लेकिन आपको हल्का सा शेप देना है। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर आगे की ओर गड्ढा देना होता है, यानी एक पत्ती शेप हमें देना होता है। तो आप दो कपड़े को इस तरीके से ऊपर वाले से कटिंग कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी रखने के बाद कटिंग कर सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा रहता है वो कुर्ती के फ्रंट वाले में आता है। इस तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है।